राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 44 पर गड्ढे ही गड्ढे, शुरू हुआ हादसों का सिलसिला। आम नागरिकों के लिए जानलेवा बने ये हाईवे या मार्ग बना है। अतुल वांदिले, प्रदेश सरचिटनीस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार गुट ने किया निषेध आंदोलन। बरबड़ी से येरला तक नेशनल हाईवे पर गड्ढे बने हैं, जानलेवा है। और राष्ट्रवादी के अतुल वांदिले ने गड्ढे में बेशरम के पेड़ लगाकर विरोध जताया है। आज हिंगनघाट पुलिस स्टेशन में ज्ञापन देकर राजमार्ग का रखरखाव करने वाले ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग भी की है। हिंगनघाट तहसील से बरबाड़ी से येरला तक गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर गड्ढों वाला राजमार्ग बन गया है। इसके चलते इस हाईवे पर सफर करने वाले वाहन चालकों के लिए इस हाईवे की तस्वीर या मार्ग जैसी है। इस हाईवे पर गड्ढों के कारण कई वाहन दुर्घटनाएं होना आम बात हो गई है। इन दुर्घटनाओं में कई वाहन चालकों को अपने हाथ पैर भी गंवाने पड़े हैं। इसी के चलते एनसीपी के सरचिटनेस अतुल वांदिले के माध्यम से मांग की गई है कि कई लोगों को अपाहिज बनाने वाले हाईवे पर गड्ढे भरने का ठेका लेने वाले ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। अतुल वांदिले ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर गड्ढों में बेशर्म पेड़ लगाने पर शरद पवार पार्टी एनसीपी द्वारा विरोध दर्ज कराया है। आज आम्ही हिंगणघाट पोलीस स्टेशनला आलेलो आहोत। हिंगणघाट पोलीस स्टेशनला यासाठी आलेलो आहोत की कांढरी ते बडबडी इतनं तो पवनास गावापर्यंत जे काही नॅशनल हायवे आहे, 44 नॅशनल हायवे, या नॅशनल हायवेवर कमीत कमी काल आम्ही सर्वे केला। कांढरीपासून तो पवना या गावापर्यंत तर 500 खड्डे मोठ्या प्रमाणात पडलेले आहेत, ते जीव घेणारे खड्डे आहे। आणि काल सुद्धा तिथं दारोडा याचा एक राहणारा मुलगा त्याचा एक्सिडेंट झाला आणि एक्सिडेंट आज तो ऍडमिट आहे हॉस्पिटलमध्ये। 2 दिवसाअगोदर एक एक्सिडेंट झाला मुलाचा, तो ट्विलर गाडीने येत होता, त्या खड्ड्यामध्ये त्याची गाडी फसली, जाग्यावर गाडीचा स्फोट झाला। त्या व्यक्तीचं नाव काय होतं? शंकर पाल नावाचा मुलगा होता। तो स्पीडनं गाडीने येऊन राहिलेला होता, रात्री त्याला खड्डा दिसलेला नाही। खूप मोठे मोठे खड्डे पडलेले आहे। आमची राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या माध्यमातून मागणी हेच आहे की जे खड्डे पडलेले आहे, जी काही मेंटेनन्सचा जो कॉन्ट्रॅक्ट काढला जातो, करोडो रुपयाचा कॉन्ट्रॅक्ट राहते मेंटेनन्सचा, तो खड्डे बुजवण्याचा, तर त्या कॉन्ट्रॅक्टरवर कारवाई करण्यात यावी, त्याच्यावर एफआयआर दाखल करण्यात यावी, गुन्हा दाखल झाला पाहिजे। यासाठी म्हणून आज राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीतर्फे आज आम्ही उपयोगी आपला पोलीस स्टेशन हिंगणघाट जिथं आम्ही निरीक्षक साहेबांना निवेदन देण्यात आलेलं आहे। BCN न्यूज के लिए हिंगणघाट से रवि येणोरकर की रिपोर्ट।